हेलो दोस्तों, मैं हूं दक्षिस एंड स्वागत है आपका मेरी चैनल एक्सप्लेनेशन विद दक्षिस में। तो आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसका नाम है फ्रेंड रिक्वेस्ट। मूवी के स्टार्टिंग सीन में लोरा को दिखाया जाता है। लोरा सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती है। लोरा अपने सारे मोमेंट फेसबुक पर शेयर करती है। फेसबुक पर उसके बहुत सारे फ्रेंड होते हैं। एक दिन क्लासरूम में उसके टीचर से न्यूज़ मिलती है कि उसके क्लासमेट ने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड की न्यूज़ सुनते ही क्लास के सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं और एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। जिस लड़की ने सुसाइड किया था उसका नाम मारीना होता है। किसी न किसी तरीके से उसका कनेक्शन लोरा के साथ होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर 2 हफ्ते के पहले का दिखाया जाता है। लोरा फेसबुक यूज़ कर रही होती है। लोरा अपने बॉयफ्रेंड टाइलर के साथ लिव इन रिलेशन में रहती है। लोरा के कई सारे कॉलेज फ्रेंड होते हैं जिसमें इजाबेल और लिजी उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। गुस्सा वो इजाबेल का बॉयफ्रेंड होता है और कोबे लोरा का फ्रेंड होता है, लेकिन वो लोरा को लाइक करता था। जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास में जाती है तो वहाँ एक नई लड़की आई होती है और यही वही सुसाइड गर्ल मारीना होती है। मारीना लोरा को ही देखती रहती है। अब रात में जब लोरा घर पे फेसबुक चला रही होती है तो उसे मारीना की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। मारीना ने फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ मैसेज भी भेजा हुआ होता है जिसमें लिखा होता है वो उसके क्लासमेट है। लोरा उसकी फ्रेंड इजाबेल और लिजी के साथ मारीना के प्रोफाइल देखने लगते हैं तो वहाँ उसका कोई फ्रेंड नहीं था। लोरा सोचती है शायद ये उसका नया अकाउंट होगा, इसलिए लोरा मारीना के टाइमलाइन चेक करती है। उसमें उसे मारीना के एनिमेशन अच्छे लगते हैं और वो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरे दिन मारीना लोरा को रास्ते में मिलती है और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए थैंक्स बोलती है। मारीना यहाँ पर न्यू होती है इसलिए लोरा की फ्रेंड बनकर वो बहुत खुश थी। लोरा जब घर पे टाइलर के साथ होती है तो उसे मारीना के कई सारे मैसेज आए होते हैं जिसमें वो लोरा को वापस मिलने के लिए बोलती है। रात में जब लोरा सो जाती है तब उसे सपने में मारीना दिखाई देती है और इससे लोरा काफ़ी घबरा जाती है। दूसरे दिन जब लोरा जॉगिंग पर जाती है तब उसे फेसबुक पर कई सारे मैसेज आए होते हैं, इसमें मारीना के भी मैसेज होते हैं। ये सब देखकर लग रहा था कि मारीना तो लोरा के पीछे ही पड़ गई है। लोरा का बर्थडे आ रहा था तो मारीना उसके बर्थडे के लिए भी पूछ रही थी। ये बात लोरा अपनी फ्रेंड को बताती है। बाद में वो लोग मारीना की ओल्डर टाइमलाइन चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ काफ़ी खौफनाक चीज़ें मिलती हैं। लोरा के फ्रेंड लोरा को मारीना से दूर रहने के लिए बोलते हैं क्योंकि ये एक सनकी लड़की है और बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट करने के लिए मना करते हैं। अब आज के दिन लोरा का बर्थडे होता है। मारीना लोरा को वीडियो कॉल करती है। लोरा मारीना की कॉल उठा लेती है। मारीना कहती है कि तुम मुझसे गुस्सा हो क्या, तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही हो और आज तुम्हारा बर्थडे पार्टी का क्या है। तो लोरा वहाँ पर झूठ बोल देती है। आज मैं टाइलर के साथ डिनर पे जाऊंगी, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। पार्टी का आज हमारा कोई भी प्लान नहीं है। मारीना से झूठ बोलकर लोरा अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए चली जाती है और सेलिब्रेशन के फोटोज अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर शेयर करती है। मारीना फेसबुक पर लोरा के द्वारा शेयर की गई फोटो देखती है तब उसे बहुत गुस्सा आता है। दूसरे दिन जब कैंटीन में लोरा के उसके फ्रेंड्स के साथ होती है तब लोरा से मारीना गुस्से में आके बोलती है कि तुम्हारे कल रात के सेलिब्रेशन के पोस्ट देखी है सब तुम्हारे दोस्तों के साथ। लोरा कहती है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मारीना बोलती है कि मैंने सोचा था कि हम लोग दोस्त थे पर तुम झूठी निकली, तुमने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही क्यों किया। वहाँ के सारे स्टूडेंट उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। जब मारीना और लोरा के बीच झगड़ा हो जाता है तब मारीना की हुडी की कैप निकल जाती है जिससे मारीना के सर के बीच के हिस्से के बाल नहीं होते हैं। शर्मिंदा होकर मारीना वहाँ से रोते रोते चली जाती है। ये देखकर लोरा को बहुत बुरा लगता है। रात को जब फेसबुक पर मैसेज देखती है तो फिर से मारीना के कई सारे मैसेज आए होते हैं जिसमें मारीना लोरा से माफ़ी मांग रही होती है, लेकिन आज जो कैंटीन में हुआ उसकी वजह से लोरा मारीना को अनफ्रेंड कर देती है। मारीना देखती है कि लोरा ने उसके अनफ्रेंड कर दिया है जिसकी वजह से अब उसके पास 0 फ्रेंड हो गए थे, जिसकी वजह से मारीना काफ़ी दुखी हो जाती है। लोरा को उसके घर में कुछ अजीब महसूस होने लगता है और जब वो आईने के पास जाके देखती है तो उसमें उसे एक साया चलता हुआ दिखाई देता है और अचानक से उसके पीछे घोस्ट दिखाई देता है।
अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तब उसे टीचर मारेना के मरने की खबर सुनाते हैं। वो बताते हैं कि कल रात मारेना ने सुसाइड कर लिया है। अगर तुम में से कोई उसका फ्रेंड है तो तुम बता सकते हो। लोरा कुछ बोलती नहीं है। इस न्यूज़ को सुनकर वो टूट जाती है क्योंकि लोरा को लगता है ये सब उसी की वजह से हुआ है। लेकिन उसके फ्रेंड्स लोरा को बताते हैं तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी, उसे डॉक्टर की ज़रूरत थी। रात को सोते समय लोरा को फिर से मारेना का मैसेज आया है। इस मैसेज साइट की वीडियो लोरा को भेजी थी। लोरा इसे देखकर डर जाती है क्योंकि मारीना मर चुकी होती है। फिर भी उसके अकाउंट से उसी के मरने की वीडियो लोरा को भेजी गई थी। लोरा का बॉयफ्रेंड टाइलर वीडियो को डिलीट करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वीडियो डिलीट नहीं होता है। दूसरे दिन जब लोरा कॉलेज जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट से मारीना की सुसाइड की वीडियो किसी तरह से पोस्ट हो गई है। लोरा की फ्रेंड उसे कमेंट करके कह रहे होते कि तुम ये वीडियो पोस्ट क्यों कर रही हो, मगर लोरा के वीडियो डिलीट करने पर भी ये वीडियो डिलीट नहीं हो रही है। घर आने के बाद रात में जब वो अपना लैपटॉप देखते हैं तो लोरा का के फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो चुका था। दूसरी तरफ गुस्सा वो फेसबुक पे मरीना का फ्रेंड बन जाता है। उसके बाद उसके साथ डरावनी चीज़ें होने लगती है। उसे दो मरे हुए बच्चे और ब्लैक मधुमक्खियाँ दिखाई देने लगती है। वो जान बचाने के लिए लिफ्ट की ओर चला जाता है लेकिन लिफ्ट में उसकी मौत हो जाती है। गुस्सावो की गर्लफ्रेंड इजाबेल उसके घर आ रही होती है। इजाबेल उसके बॉयफ्रेंड को मरा हुआ देख बेहोश हो जाती है। लोरा और टायल्ड इजाबेल को हॉस्पिटल में मिलने आते हैं तो इजाबेल लोरा से कहती है कि तुम मुझसे दूर ही रहो, तुम्हारी वजह से ही ये सब हो रहा है। गुस्सावो को भी कई दिन से मारीना के मरने के बाद डरावने सपने आ रहे होते हैं। अगली सुबह जब लोरा सोकर उठती है तब उसे उसके फ्रेंड कोबी का मैसेज आता है जो जल्दी से अपनी प्रोफाइल चेक करने के लिए बोलता है। लोरा अपनी प्रोफाइल देखती है तो उसके फ्रेंड गुस्सावो की मौत की वीडियो भी उसी के अकाउंट से अपलोड हो चुकी थी। लोरा वीडियो डिलीट करना चाहती थी लेकिन वीडियो डिलीट नहीं हो रही थी। लोरा के सारे दोस्तों उसे वीडियो में टैग हुए थे। लोरा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। लोरा के सभी फ्रेंड उसे मैसेज करके गालियां दे रहे होते हैं, साथ ही इस वीडियो को डिलीट करने के लिए बोल रहे थे लेकिन ये वीडियो डिलीट करने पर भी डिलीट नहीं हो रही थी। लोरा के फेसबुक के फ्रेंड धीरे धीरे कम होने लगते हैं। स्टूडेंट की डिमांड पर लोरा को स्कूल से भी सस्पेंड कर दिया जाता है। लोरा कोबे को पास जाकर उसका अकाउंट हैक करने के लिए बोलती है क्योंकि उसका अकाउंट डिलीट नहीं हो रहा होता है। लेकिन कोबे जब उसका अकाउंट का लॉक देखता है तो वो बिल्कुल ही अलग होता है। उसके बाद लोरा और कोबे चुपके से मारीना के रूम में चले जाती है। उसने मारीना की कुछ चीज़ें मिलती है। लोरा को मारीना के स्कूल की एक फ़ोटो मिलती है जिसमें दो लड़के के चेहरों को मिटा दिया गया होता है। उसके बाद लोरा मारीना के स्कूल में जाती है और उसके बारे में पता करने की कोशिश करती है। वहाँ पर टीचर लोरा को बताती है कि मारीना की मदर उसके घर में जलकर मर गई थी। तब से वो बिल्कुल अकेली थी और उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। उसका बिहेवियर भी दूसरे बच्चों से अलग था। दूसरी तरफ इजाबेल जो हॉस्पिटल में थी उसे फिर से हॉरर चीज़ें दिखाई देने लगती है। उसे अपनी ही लाश दिखाई देती है जिसमें उसका गला कटा हुआ दिखाई देता है। ये सब देखकर वो खुद को मार देती है। और अब इजाबेल के मरने की वीडियो भी लोरा के अकाउंट से अपलोड हो चुकी थी। लोरा के जो फ्रेंड होते हैं वो कोई भी ना तो लोरा को अनफ्रेंड कर पा रहे होते और ना ही अपना अकाउंट डिलीट कर पा रहे होते हुए। उसके बाद अब लोरा के फ्रेंड मिस लिजी भी मारीना के फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो चुकी थी। मारीना के फ्रेंड बनते ही उसके साथ भी डरावनी चीज़ें होने लगती है। लिजी लोरा को मारीना को अपने अकाउंट से अनफ्रेंड नहीं कर पा रही होती है और नहीं अपना अकाउंट डिलीट कर पा रही होती है। लोरा को जब पता चलता है कि लिजी मारीना के फ्रेंड बन चुकी है तो वो टाइलर के साथ उसे बचाने के लिए उसके पास जाती है, मगर कई सारी मधुमक्खियाँ मिलकर लिजी पर हमला कर देती है। जैसे ही टाइलर और लोरा उसके नज़दीक पहुँचते हैं लिजी उसके ऊपर से कार पे गिर जाती है। लोरा के फेसबुक के फ्रेंड कम हो जा रहे होते हैं। टाइलर और लोरा लिजी को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। लोरा को नोटिफिकेशन आता है और ओलिविया अब मारिया की फ्रेंड बन चुकी होती है। लोरा अब अपने फ्रेंड कोबे के साथ मारीना के पहले जहाँ रहती थी वहाँ चली जाती है, मगर लोरा ये बात टेलर को नहीं बताती। वो मारीना के पहले वाले घर में कोबे के साथ जा रही होती है लेकिन टाइलर को जब ये पता चलता है तो टाइलर भी वहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है। लोरा और कोबे को यहाँ पे कई सारी डरावनी चीज़ें दिखाई देती है। कोबे को लगने लगता है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो लोरा को मारना पड़ेगा और कोबे लोरा के पेट में चाकू घुसा देता है। किसी तरह से लोरा उसे धक्का मारकर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। इसीलिए कोबे लोरा को यहाँ लाया था, मगर लोरा कोबे को धक्का मारकर यहाँ से बचकर भागने लगती है।
और जाके कहीं छिप जाती है। बाहर जाता है तो टेलर यहाँ आ चुका होता है। टेलर कार से उतर कर कोबे को मारने लगता है और पूछता है कि लोरा कहाँ पर है और तुमने लोरा का क्या किया। लोरा को फ़ोन कर पूछता है कि वो कहाँ पर है। तब लोरा बताती है कि मारिया के टाइम लाइन पर हॉरर प्लेस दिखाई दी थी, वो मुझे मिल गई है और मैं वहीं पर हूँ। टेलर भी वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। इस साइड लोरा को और उसकी ओलिविया का वीडियो कॉल आता है और वो मानिना की फ्रेंड बन चुकी होती है। इसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। टाइलर यहाँ पे आ जाता है और कोबे को वो कार में लॉक कर देता है और लोरा के पास जाता है। इधर टाइलर और लोरा बात कर रहे होते हैं तब पीछे से कोबे आकर टाइलर को मार देता है। लोरा फिर से यहाँ से भाग जाती है लेकिन यहाँ पे ब्लैक मधुमक्खियाँ कोबे को मार देती हैं। इधर लोरा को मारिना दिखाई देती है। ये मारिना के बचपन का गोस्ट होता है। वो लोरा को कहती है, मैं बस तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। फिर एक आईने से लोरा को पास बुलाने की आवाज़ आती है। लोरा ध्यान से आईने में देखती है। अब पीछे से एक आत्मा लोरा में आ जाती है। अब सीन शिफ्ट होके हमें कॉलेज के कैंटीन का सीन दिखाया जाता है। लोरा अकेली बैठी हुई होती है। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। उसके फेसबुक पे एक भी फ्रेंड नहीं होता है और यहाँ से लोरा का एकदम मारिना के जैसे लग रही होती है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको कोई मूवी के एक्सप्लेनेशन सुननी हो तो मूवी का नाम कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।